गुडविल ग्रुप बनया इहदा पहला मोटो है लव ऑल तो असी 2800 मैंबर दे विच बहुत पुरखलूस मुहब्बत वंडना चाहते हैं साडा ख्याल है कि बलवंत बहुत बीमारी है इज्जत मिले कि ये लोग बार बार खिंच के क्लब वाल आ पिछले कुछ समय तो शायद कोरोना करके या किसी होर वजह करके क्लब दे विच मैंबर्स दा आना थोड़ा जिहा घटिया सी असीं कोशिश करके उन्होंने वापस अपने नाल जोड़ांगे क्लब दे विच ज़्यादा आन बच्चे आन लेडीज़ आन इसी को उपराला किया गया पहली बारी क्लब की हिस्ट्री च एक फीमेल कैंडीडेट है डॉक्टर संगीता आंडा तुम सारे जानते ही हो महिंद्रा कॉलेज के प्रिंसीपल रहे हैं महिंद्रा कॉलेज की डिवेलपमेंट बहुत अच्छी कराई उन्होंने उन्होंने असी रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने एक्सीड की और वो बड़ा अच्छा एक उपराला होया कि लेडीज़ के बच्चों वास्ते एक सैपरेट कैंडीडेट पहली बारी बारे जो सा मिशन की है एक विजन होंगी एक मिशन होंगी है जी विजन मिशन ये है कि क्लब को असी गो ग्रीन के अंडर लियाना चाहते हैं गो कलरफुल गो ग्रीन और फ्लावर वैली कुछ नवे गार्डन कुछ जी हरियाली है उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा असं ये सोचते हैं कि हूँ क्लब के एक इंच भी कंक्रीट होल लाने की लड़ नहीं है जितने कोई नीड बेस्ड चेंजेस है वो तो मैं कह नहीं सकता जो जाना है तो फस्ट फ्लोर से कुछ छोटी मोटी कोशिश करनी है हाँ ठीक है अदरवाइज जो ग्राउंड है पहले ही घटता जा रहा है तो असं चाहते हैं कि जी खूबसूरती क्लब की है लोगों को अट्रैक्ट करे और वो प्लांट्स के बीच है वो ग्रीनरी के बीच है फुलों के बीच है जोड़ा तीसरा साडा है कि इतने गैसट हाउस है अच्छा बनया असी उपराला करके एक रिजॉर्ट के कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि लोग अपनी सैरेमनीज उत्थे क्लब के मैंबर अपने बच्चे मैरिज सैरेमनी है 25th एनवर्सरी है जो भी करना चाहते हैं उत्थे बड़े खुशी ना कर सानू इस चीज़ का बहुत फकर महसूस हो रहा जो असी ये काम कर साडे कुछ एल्डरली सिटीजन है उन्होंने असी सरताज कहते हैं उन्होंने वास्ते असी स्पैशल प्रिविलेजेस लियाना चाहते हैं कि उन्होंने बैठन का इंतजाम बहुत अच्छा हो जिहड़े साडे कोई VIP गैसट आते हैं असी उन्होंने अपने एल्डरली सिटीजन से बिठा दो और जो सर्विस साडे है उन्होंने मूल रूप से बहुत अच्छी करना चाहिए बच्चों की गेम वास्ते साडा ख्याल है कि उन्होंने कोचिज होने बहुत जरूरी हैं जिहड़ा साडा जिम है बहुत अच्छा बनया हुआ है यदि कैपैसिटी हूँ घटती जा रही है असं डबल द कैपैसिटी करके मैं दस दू बनी हुई है मैटर ऑफ रिकॉर्ड है रिकॉर्ड देख लो साल टीम कोई प्रधान बन जाता है कोई चेयरमैन बन जाता है कोई वाइस चेयरमैन बन जाता है कोई ट्रेजर बन जाता है मतलब 15 साल तो उही चेहरे जिहड़े है डेमोक्रेसी है ना मोदी साहब 8 साल तो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं इलेक्शन है असी कभी उन्होंने रोकया भी तुम इलेक्शन फॉरन कैंडीडेट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मैंबर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो टैली हुई थी मैं चेयरमैन से एंटी डोपिंग का मैं एज ए स्पोर्ट्समैन थोड़ा कहना है कि जो एक अच्छा मुकाबला होंगे जो अच्छा होंगे ये वाहगुरु के हाथ है असी अपनी कोशिश करनी है वी विल प्ले वैल बाकी रिजल्ट जो है सी या तो भी मैंबरों के हाथ है रोकते हैं या इलेक्शन नहीं कराते हर साल इलेक्शन होंगे हैं ये इलेक्शन हर साल अनाउंस होंगे हैं हर साल प्रोसैस चलता है जो प्रोसैस के जे कोई नहीं आता जे कोई नहीं कैंडीडेचर करता तो यूनैनिमस हो जाता है जे कोई कैंडीडेट आ जाता तो इलेक्शन होंगी है जोड़ा इलेक्शन जितता है वह जित जाता है तो यह कोई जिथे असी साढ़े हाँ ये है कि 2 साल तो बाद कोई ऑफिस बेयरर कंटीन्यूअसली नहीं कर सकता 2 साल तो बाद 1 साल का गैप ये साडा कंस्टीट्यूशन कहता है सारे गैप होंगे है एग्जैक्टिव मैंबर वास्ते गैप नहीं है फिर इस तो अलावा डॉक्टर सुधीर वर्मा 3 बारी सैकटरी रह लिया वो हूँ की करता फिर ठीक है ना जी विनोद शर्मा 7 बारी एग्जैक्टिव का मैंबर रहा 2 बार ट्रेजर रहा 1 बार ज्वाइंट सैकटरी रहा फिर उन्होंने कहा कि साडी कोर कमेटी दे विच एलीगेशन कदे भी नहीं उठे उन्होंने एलीगेशन उठा
और यदि मैं डिमांड करांगा कि यदि प्रोव करी जाए डॉक्टर सुधीर दे जन्म 2013 च 6 या 7 लाइफ मैंबर बने ने जिन्हें च कोई भी पैसा क्लब जमा नहीं होया 40-50 लाख रुपए का एटलीस्ट क्लब का नुकसान होया जिहड़ा कि एलिज ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਔਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਗਰ ਪੈਸੇ 6-7 ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੰਜੇ ਬੰਸਲ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਜਰਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ। ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਬੰਸਲ ਨੂੰ उनको बोला गया डूडिया साहब की प्रेजेंस में, पूछ लो। मैं गल क्लेरिफाई करना फटदल सर।